अलवर लोकसभा सीट से बीएसपी प्रत्याशी इमरान खान। तो सबसे पहले इमरान आपको बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहती हूँ, और आप एक युवा नेता है तो जानना चाहती हूँ कि कैसी उत्सुकता है आपके मन में। थैंक यू फॉर दी बधाई, और बहुत उत्सुक है हम लोग सारे, मेरे कार्यकर्ता सारे जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनमें बहुत जोश है और बहुत मजबूती के साथ मेरे साथ लगे हुए हैं। चारों तरफ आठों तहसीलों में बहुत गाड़ियां घूम रही है, घर घर में प्रचार हो रहा है, सारे लोग अलवर की राजनीति में बदलाव चाहते हैं। सब भाई सब मिलके हम इस इलेक्शन को लड़ रहे हैं और बहुत मजबूती के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर आप काम कर रहे हैं, जनता के क्या मुद्दे हैं कि इन मुद्दों को लेकर इमरान काम करे आगे? देखो सबसे बड़े मुद्दे बताऊं मैं जनता के, अलवर की राजनीति में हमें ऐसे लोग मिले कि आज तक अलवर की जनता की उन्होंने सुनी ही नहीं। कुछ भी हुआ मुद्दा तो जब पैदा होगा जब कोई सुनेगा, वोट लेके चले जाते थे दिल्ली की राजनीति में, अपना ध्यान लगा के दिल्ली बैठ जाते थे, सारी जनता सब त्रस्त। पिछली बार बीजेपी वाला महेंद्र चांदनाथ बना, वो जाके रोहतक में बैठ गया, उसने भी किसी की नहीं सुनी। राजा जी बने थे उससे पहले, इसने किसी की नहीं सुनी, ये जाके दिल्ली बैठ गया। तो अलवर की जनता तो पहली बात तो इस चीज से परेशान है कोई सुनने वाला तो हो। उसके बाद आती है समस्या, यहाँ सबसे भयंकर समस्या है पानी की, पानी नहीं है कहीं भी किसी भी गांव में। रोजगार की दिक्कत है, इतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज होने के बावजूद भी यहाँ लोगों के पास रोजगार नहीं है। फिर बात करते हैं हम चिकित्सा की, चिकित्सा के कुछ भी अच्छे यहाँ पे संस्थान है ही नहीं, एजुकेशन का भी कुछ नहीं है। तो बहुत सारी परेशानियां है यहाँ पे, युवा बेरोजगार है, परेशान है, ढूंढ रहा है, नौकरियां ढूंढता है पर मिलता नहीं है। और यहाँ पे एक सौ जो जातिवाद का एक सिस्टम है वो भी बहुत खराब है, खास करके अलवर में आप जानते हैं पहलू कांड और भी पता नहीं कौन कौन से रकबर कांड। तो ये क्या है कि इन नेताओं की वजह से जो ये अपने फायदे के लिए जनता को भड़काते हैं और जनता में आपसी भाईचारा नहीं बनाना चाहते, इनकी वजह से अलवर की जनता हर एंगल पे परेशान है, हर एंगल पे। तो इन मुद्दों को लेकर कैसे काम करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे जी, पहली बात तो हम आज जनता के बारे में हम बता रहे हैं, जनता हमें एक्सेप्ट कर रही है, हमें समझ रही है, और हमारे अंदर इच्छा है, जुनून है लोगों के लिए काम करना। और फिर हमें मौका मिलेगा काम करने का तो एक रूट बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे और लोगों के बीच में काम करेंगे। सबसे पहले मुद्दा पानी का ही होगा हमारा। जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां लगी हुई है जोर शोर से चुनाव प्रचार में, तो ऐसा कौन सा मुद्दा होगा जिसको लेकर के आप काम करेंगे कि वो ढीली पड़े और आपकी पार्टी मजबूत हो? देखो पहले सबसे पहला मुद्दा ये है, आपने किसी भी एक लोकसभा सीट पे दो दो बार तीन तीन बार किसी मुख्यमंत्री को आते हुए नहीं देखा होगा। अशोक गहलोत जी नामांकन में आए, अब सचिन पायलट जी नामांकन में आए, आज अशोक गहलोत जी दोबारा आए हुए हैं। मैंने सुना है दो दिन बाद प्रियंका गांधी भी आ रही है रोड शो के लिए। हमारे पास एकमात्र एक नेता थी हमारी बहन कुमारी मायावती जी, वो आ गई, हमें आशीर्वाद दे गई, जनता को अपनी डायरेक्शन दे गई। अब कुछ भी नहीं बचा, अब लोगों में जुनून है, जोश है, सारे लोग लगे हुए हैं। वो कितने मुख्यमंत्री बुलाएं, कितने प्रधानमंत्री बुलाएं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जनता इस बार अटल है। और वो इन लोगों को इसलिए बुला रहे हैं कि उनके लोग कुछ यादव समाज से, गुजर समाज से, जाट समाज से हमारे साथ बहुत सारे लोग बहुत बड़ी तादाद में जुड़ गए हैं, तो वो तो अपने वोटर्स को नहीं रोक पा रहे हैं। तो वो इस मेरे वोटर काटने के लिए वो इनको नहीं बुला रहे, वो उनके रुक जाए उनके पास, इसलिए उनको बुला रहे। कहीं ना कहीं विपक्ष पार्टी वाले ये जाति का भेदभाव जो करते हैं, ऐसा कुछ क्या कहना चाहेंगे इस बात पे कि क्यों करते हैं वो इस चीज को? राजनीतिक फायदा लेने के लिए करते हैं, उनको उनके पास वोट अपने खुद नहीं होती, काम वो कर नहीं सकते जनता के बीच में जाके, तो अलग अलग जातियों के कुछ अलग अलग लोग वो अपने साथ जोड़ते हैं, उनको अपने प्रचार में लगाते हैं, उनको गुमराह करते हैं, उनको लालच देते हैं, किसी को टिकट का दे देते हैं, किसी को कुछ दे देते हैं, तो वो उस पद के लालच में वो लोग लगे रहते हैं उनके साथ। आप एक युवा नेता हैं तो आने वाले यूथ के लिए आप क्या करेंगे? यूथ के लिए बहुत अच्छी प्लानिंग है हमारे पास, यूथ के साथ बैठ के मशवरा करके। सबसे पहले तो ये पढ़े लिखे यूथ है, इनको नौकरी की बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज है, उसमें के कुछ प्लानिंग की जाएगी, सिस्टम बनाया जाएगा इनके लिए, कुछ कोटा हो नौकरी के लिए, लोगों के लिए 30-40% कुछ तो मिले। सब लोग बाहर के लोग आते हैं यहाँ, मैं चाहता हूँ कि लोकल लोगों को भी नौकरी का मौका मिले और ये इज्जत से और मान सम्मान के साथ यहाँ काम करें। करके सन्यासी बनो, ये सरजमी ये नहीं कहती कि सन्यास छोड़ करके तुम राजपाट में घुसो, सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा, जब 26 1950 बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर